हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। बरौना में परचून की दुकान से नकदी व सामान चोरी। हरखोदा बरौना गांव में स्टैंड के पास स्थित एक परचून की दुकान से नकदी व सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। दुकानदार बरौना निवासी राहुल ने बताया कि जब उसने दुकान खोलकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और दुकान में रखी गई करीब 8,000 की नकदी चोरी थी। इसके अलावा दाल, चीनी, सर्फ, साबुन सहित घर में प्रयोग होने वाली सामग्री भी चोरी की गई थी। चोरों ने पिछला दरवाजा तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया है। दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खेल खेल में हादसा। धक्का देने के बाद सिर में लगी चोट से बच्चे की मौत। रविवार दोपहर को आनंदपुर झरोट गाँव से गुजरने वाली पाई माइनर में गांव के कुछ बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिसमें से एक बच्चे को किसी अन्य बच्चे द्वारा माइनर में धकेल देने से उसके सिर में चोट लग गई। चोट लगने की वजह से उसके परिजन उसे खरखोदा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को दोपहर करीब 2 बजे आनंदपुर झरोट गाँव के रहने वाले संदीप 12 वर्ष अपने 4-5 साथियों के साथ पाई माइनर में नहाने के लिए गया था। नहाते समय संदीप को किसी अन्य बच्चे द्वारा उसे पीछे से धक्का दिया गया, जिसके कारण उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट लग गई। परिजन तुरंत इलाज के लिए खरखोदा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड प्लांट पर कब्जा करने का आरोप। ASP ने लगाई फटकार। खरखोदा में वक्फ बोर्ड की एक प्लाट पर जबरन मिट्टी डालकर कब्जा करने की शिकायत खरखोदा पुलिस थाने में पहुँची है, जिस पर पुलिस टीम जांच कर रही है। लेकिन जांच से असंतुष्ट व वोल बोर्ड प्लाट धारक पवन व संजय ने इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी थी। इसके बाद ASP जीत बेनीवाल खरखोदा पुलिस थाने में पहुंचे और दोनों पार्टियों को मौके पर बुलाया। दोनों पक्षों के दस्तावेज जांचे गए, जिसमें एक के पास वक्फ बोर्ड का पटनामा मिला, जिसके रजिस्टर्ड दस्तावेज भी मिले और फर्द में भी उनके परिवार वालों के नाम मिले, जिनके नाम वर्षों से यह पट्टा चल रहा है, जबकि दूसरे की तरफ से एक एफिडेविट की कॉपी मिली जो सबूत के तौर पर नाकाफी थी। इसके बाद ASP जीत सिंह बेनीवाल ने मिट्टी डालने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर किसी की जमीन पर किसी तरह का कब्जा करते हुए आगे शिकायत आई तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह से इस मामले का निपटान किया गया। ACP जीत सिंह बेनीवाल ने मिट्टी डालकर किसी के प्लाट पर कब्जा करने वाले को चेतावनी दी है कि अगर वह किसी दूसरे के प्लाट में घुसा या कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं श्यामपाल सैनी पार्षद खरखोदा वार्ड नंबर 14 से। आज खरखोदा में जो पिछले 15 दिन से सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं बंद पड़ी हैं, उनके उसमें विचार विमर्श किया गया, मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि कल हम SDM मैडम से मिलेंगे और उसमें ज्ञापन दिया जाएगा कि कल शाम तक हमारी जो सरकारी सुविधा है वो बहाल कर दी जाए, नहीं तो हम मंगलवार को सरकारी हॉस्पिटल को ताला लगाने की कोशिश करेंगे, ताला लगा देने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसमें एक पिछले 15 दिन से ही हमारा खरखोदा में सफाई का काम जो है बिल्कुल बंद पड़ा है और सारा खरखोदा बिल्कुल सड़ चुका है। उसको भी ज्ञापन के माध्यम से ही मैडम को हम एक ज्ञापन दिया जाएगा और उसको भी हम ताला बंद करेंगे। मैं सिकंदर दिया, खरखोदा वासी। आज बहुत भारी संख्या में हमने एक मीटिंग करी और मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे निकल के आए, जिसमें सफाई अभियान का था और एक बड़ा मुद्दा जो डॉक्टर्स का चल रहा है और आपस में CMO SMO इनका मुद्दा चल रहा है, उसमें एक आम जनता की बहुत शिकायतें आ रही हैं और आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको देखते हुए हम सब लोगों ने इकट्ठा होने का कल फैसला किया है और SDM साहब से, SDM मैम से हम मिलके इस चीज़ का समाधान निकलवाने की बात करेंगे और एक चेतावनी इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी और सबको देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, जो आपसी लड़ाई है इनकी आपस में निमटे और कल सुबह 9 बजे हम SDM मैम से मिलकर उनको एक एस्टिमेट हम दे देंगे, परसों से सरकारी अस्पताल पे ताला लगा देंगे। और अगर फिर भी अगर सरकार ने अगर खरखोदा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम कम्युनिटी सेंटर और जितने भी नगर पालिका है हम सब पे, एक आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है और हम कार्रवाई करेंगे। हमने डिसाइड किया है कि जो पुरानी तहसील पहले थी हम उसमें वहां सब एकत्रित होंगे और सबको ये मुद्दा सबको पता है। 6 बजे हम SDM मैम से मिल लेंगे तो सबसे गुजारिश है खरखोदा वासियों से जो भी परेशान है सब आकर के इसमें भाग लें। धन्यवाद। हाथ जोड़कर विनती है जितने भी हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, जितने भी स्टाफ नर्स या फोर्थ क्लास स्टाफ बैठे हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि आम जनता की तरफ देखें और जो आपकी समस्या है वो लोग समझ सकते हैं और उस समस्या के लिए लोग आपके साथ हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य, जो आपकी एक डॉक्टर का एक फर्ज होता है कि वो लोगों को स्वस्थ रखे,
तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वेदर बहुत ख़राब चल रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है उन डॉक्टर से भी कि उन सिर्फ पेशेंट्स की भी एक बार सोचें और हम सब एक टीम बन के उन डॉक्टर से मिलेंगे भी और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो सरकारी हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो चालू हो जाए। धन्यवाद। और जो खरखोदे समस्या है वो जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम खरखोदा बंद करने का आह्वान करेंगे। आज आप मीटिंग में आए थे, क्या कुछ फैसला हुआ? बस लोगों ने फैसला सुना, भाई हॉस्पिटल के ऊपर बात चर्चा चली है, कूड़े के ऊपर है और सफाई नालों के ऊपर, पानी निकासी के ऊपर चर्चा चली है। तो क्या करेंगे अब आप? भाई अगर ये नहीं हुआ तो हम बाजार बंद करने का आह्वान रखेंगे। जागृति स्थल में किया पौधारोपण, विधायक जयवीर वाल्मीकि ने की शुरुआत। थाना कला मार्ग पर स्थित ओम साई राम क्लासेज के छात्रों ने पौधारोपण अभियान चलाकर दैया जागृति स्थल में पौधारोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत खरखोदा हल्का विधायक जयवीर वाल्मीकि ने पौधारोपण करके की। इसके बाद छात्रों ने पौधे रोपे और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाने के लिए मुफ्त में पौधे वितरित किए। इस मौके पर डॉक्टर अनिल कुमार, श्री भगवान स्टेट टीचर अवार्डी सुमित कुमार, प्रेम सिंह, लीला कुमारी, तन्नू, पिंकी सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हरियाणा उदय के संबंध में पुलिस की पाठशाला के अंतर्गत गांव फरवाना में नफे सिंह अखाड़ा में नशे व अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में खेलों का आयोजन करवाया गया और बच्चों को नशे, साइबर क्राइम, महिला विरुद्ध अपराधों व अन्य अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। घर पहुंचकर 1962 के शहीद परिवारों को किया सम्मानित। वर्ष 1962 में हुए युद्ध में शहीद हुए खरखोदा के धर्मपाल व निर्थान के रामफल दहिया के परिवार को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं युवा यादव महासभा राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान सैनिक सम्मान के साथ उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति के महासचिव शेर सिंह यादव व दिनेश यादव ने 1962 की लड़ाई का वर्णन करते हुए कहा कि भारत व चीन के बीच 18 नवंबर 1962 से शुरू हुई इस लड़ाई में 114 वीर सैनिक शहीद हुए। 13 कुमाऊं कंपनी के 124 जवानों ने 18,000 की ऊंचाई वाली दुर्गम पहाड़ियों पर चीनी सेना के 3,000 सैनिकों का सामना किया। इस लड़ाई में हमारे रणबांकुरों ने चीनी सेना के 1300 जवानों को मौत के घाट उतारा था। सोनीपत जिले के निर्थान के धर्मपाल दहिया व खरखोदा निवासी रामफल भी उन शहीदों में से एक थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 1962 की लड़ाई पर लिखा गया स्वर कोकिला लता मंगेश द्वारा गाया गया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। रेंजिला युद्ध के पराक्रम को ही समर्पित है। रविवार को गांव पीपली में जीवन ज्योति जन कल्याण सेवा समिति थाना खुर्द द्वारा गांव के मुक्तिधाम में पौधारोपण किया गया। समिति अध्यक्ष सत्येंद्र दहिया ने बताया कि मुक्तिधाम में 50 पौधे रोपित किए गए हैं। उनकी देख रेख की जिम्मेवारी पूर्व सरपंच विजय दहिया ने ली है। एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम का हिस्सा बने और एक पेड़ जरूर लगाएं। जीवन में रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान जरूर करें। इस मौके पर मास्टर सुरेंद्र दहिया, पप्पू उप शमशेर, प्रवेश दहिया, नीरज दहिया, महेंद्र दहिया, सनी, हिरेन दहिया, यश दहिया आदि द्वारा सहयोग किया गया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D-4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।